आज का मैच एनालिसिस और दिखाते हैं कि आज कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए इसके लिए। चलिए संपूर्ण जानकारी देते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, उसके बाद हम आपको टीम देंगे। जो टीम आज हमारी टीम आज कुछ बेस्ट करते नजर आएगी और आपको जरूर जीएल विन करवा सकती है। सबसे पहले हमें अपने इस मोबाइल की स्क्रीन पे आना होगा, मोबाइल की स्क्रीन पे, और देखते हैं कि आज के कौन कौन से प्लेयर चैट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो दोस्त आज का मैच होने वाला है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, और आज का जो पिच बिहेवियर है वो बैटिंग पिच है, मतलब इस पे बैटिंग ज्यादा अच्छा होता है। एवरेज स्कोर अभी तक का इस पे 164 है, मतलब टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। आज का जो फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे होने वाला है उस पे आज का पिच रिपोर्ट क्या रहेगा? तो आज का जो पिच रिपोर्ट कह रहा है उसके अनुसार वो जब फाइनली आधा घंटा पहले लाइनअप आ जाएगा तो हम आपको फाइनल पिच रिपोर्ट के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। लेकिन उससे पहले जो संभवतः पिच रिपोर्ट है उसकी बात करें तो ओवरऑल ये पिच बैटिंग पिच है, और इस पिच पे जो बॉलर्स की बात की जाए तो पेसर्स ज्यादा कमाल करते नजर आते हैं। हालांकि पिछले 5 मैचों में देखा गया कि स्पिनर्स भी अपने बॉल से काफी कुछ करते नजर आए हैं और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है इसके। और ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर टॉस कौन सी टीम जीती है और मैच कौन सी टीम जीती है। तो इस पे देखा गया है कि एवरेज स्कोर 164 हुआ है और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 174 के आसपास है। ऐसे में अगर टॉस की बात की जाए तो जो टीम टॉस जीतती है वो 100% बॉलिंग फर्स्ट करना चाहती है, क्योंकि चेस करना इस पिच पे बहुत ज्यादा आसान है और चेस करने वाली टीम हमेशा 80% मैच विन करके ले आती है, बाकी 20% जो टीम बैटिंग पहले करती है वो जीतती है। अगर हम मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर है उनके हम पॉइंट की बात की जाए तो उन्होंने 5 मैच खेला है। 5 मैच में पहले मुकाबले में उनका जो मुकाबला था वो पाकिस्तान का भारत के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने 57 पॉइंट दिया था। उसके बाद दूसरे वाले मुकाबले में उनका जो पॉइंट था 100 पॉइंट था, और तीसरे वाले में 95, और चौथे में 35, और लास्ट वाला मैच में 26 पॉइंट था जो कि पिछला मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ऐसे में अगर पॉइंट पर मैच की अगर एवरेज बात की जाए तो 62 पॉइंट के आसपास है। ऐसे में साथ साथ उनका जो ड्रीम टीम में सिलेक्शन था वो 100% हो गया। उसके बाद अगर बेस्ट प्लेयर की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से आते हैं एंथन डी सांता है, जो कि बेस्ट प्लेयर है एशिया कप के। उनकी अगर बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में पहला मैच में उन्होंने 7 पॉइंट मात्र दिया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। उसके बाद दूसरे वाले मैच में उन्होंने 28 पॉइंट की योगदान दी थी, तीसरे वाले में 54, और चौथे और पांचवें में तो उन्होंने आधी लगा दिया। चौथे मुकाबले में उनका जो पॉइंट था 102 था, और साथ ही साथ पांचवें वाले मुकाबले में 107 था। ऐसे में अगर चौथे तीसरे चौथे और पांचवें मुकाबले की बात की जाए तो तीसरा मुकाबला जो श्रीलंका का था वो किसका था, जहां से उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा होने लगा और तीसरे मुकाबले में 54 पॉइंट। उसके बाद दो मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ, तो चौथे मुकाबले में उन्होंने 102 पॉइंट दिया और पांचवें वाले में 90 पॉइंट। मतलब सेम टीम के साथ आज भी फाइनल मैच होना है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के मैच में भी पुनीत सांगा अपने बल्ले से खराब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और पाकिस्तान के बॉलरों को भूलते नजर आएंगे। ऐसे में आपको अपने ड्रीम टीम में पुनीत सांगा को नहीं छोड़ना है, आज भी उनका जो एवरेज रहेगा काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर रहेगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात हम बात करेंगे, पहले हम अच्छे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि आज के ड्रीम टीम होंगे। उसके बाद के साथ साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम की, जो कि पाकिस्तान टीम के रीड कहे जाते हैं। तो बाबर आजम के पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस इस बार एशिया कप में बढ़िया नहीं रहा है, और वो थोड़ा सा इस बार परफॉर्मेंस को लेकर के दिक्कतों में चल रहा है। ऐसे में उनका पिछला 5 मैच का मुकाबला रहा है, पहले मुकाबला में 16 पॉइंट था, दूसरे वाले में 14 पॉइंट था, और तीसरे में 22, चौथे में 2 पॉइंट था, और पांचवें में 48 पॉइंट था। मतलब पांचवा मुकाबला जो था पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ था, जिसमें उन्होंने 48 रन दिया था। श्रीलंका के खिलाफ अगर देखा जाए तो उनका जो ड्रीम टीम का पॉइंट है वो लगभग वो दे चुके हैं, ऐसे में आज के फैंटेसी टीम में वो आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बैट्समैन की, बी राजपक्षा की, जो कि श्रीलंका से। तो श्रीलंका के राजपक्षा उनका अगर स्कोर देखा जाए तो पिछले 5 मैचों में उन्होंने पॉइंट दिया, पहले मुकाबले में 55 पॉइंट था, दूसरे वाले में 6 पॉइंट था, तीसरे वाले में 51, चौथे में 35, और पांचवें वाले में 32। तो इनका भी लगभग लगभग जो एवरेज रहा काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। ऐसे में ये भी ड्रीम टीम का हिस्सा हो सकता है, इसके साथ साथ अगर हम बात कर सकते हैं पकड़ जमाना की, तो पकड़ जमाना जो एवरेज रहा है पहले मुकाबले में 16 रहा है पॉइंट में, दूसरे वाले में 72, और तीसरे में 21, चौथे वाले में 26, और पांचवें वाले में 28। तो क्या लगभग लगभग एवरेज सही रहा है।
जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन शायद इनका जो पहला मैच था उसमें उन्होंने 11 पॉइंट दिया था, दूसरे वाले में 60 पॉइंट, तीसरे में 100 और 43 और पांचवे वाले में 4 पॉइंट दिया था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इतना प्रॉब्लम श्रीलंका से बढ़िया लग रहा था, तो जैसे में आपको भी नाला ज्यादा बट नाला की तक अच्छी थी मैच में इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। आप भी थोड़ा सा सकते हैं अपने हिसाब से बैट्समैन की बात तो हो रही है दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलर की। बॉलर की बात अगर की जाए तो बॉलर में हरीश रावत पहले सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के बॉलर, उनका मतलब पांचवे में मैच का अगर ब्रेकअप कर दिया जाए तो पहले मैच का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, दूसरे वाले में अच्छा नहीं था, तीसरे वाले में 29 पॉइंट दिया था, चौथे में 64 और पांचवे वाले में 65, मतलब श्रीलंका के खिलाफ 65 पॉइंट का योगदान देते नजर आए थे। ऐसे में आज बॉलर की बात करें तो हरीश रावत को छोड़ने लायक नहीं है, आज के ड्रीम टीम में आने के लिए आपको हरीश रावत को रखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ मोहम्मद खाना की बात करते हैं जो मतलब इस तरह के बॉलर की बात हो और विकेट कीपर की बात करें तो मोहम्मद जवान को छोड़ना है नहीं है, उसके साथ साथ पसंद करने को भी नहीं छोड़ना है। पॉइंट काफी ज्यादा बढ़िया रहा, हालांकि दिस से मतलब पिछला पॉइंट बाबा दे रहे थे पहले वाला में 30 था, हालांकि आज का जो मैच होगा उसमें कौशल मैंडिस और मोहम्मद जवान को छोड़ने के लायक नहीं। और रनर की अगर सक्सेस की बात की जाए तो पिछला मुकाबला पाकिस्तान के साथ ब्रैंडन सुरंगा का था, जिसमें कि उन्होंने 45 पॉइंट दिया था, काफी ज्यादा अच्छा था। ऐसे में आज ऑलराउंडर में ब्रैंडन सुरंगा को छोड़ने लायक नहीं, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज होंगे आपको दिखेगा कि आज का श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मुकाबला है 24 करोड़ की बड़ी रकम है जो बांटनी है, जो कि मैच अभी 9 घंटे बाद है, तो आप ड्रीम क्रिएट कर लेते ड्रीम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में। तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में अगर कौशल मैंडिस को देखा जाए तो पिछला मुकाबला इनका जो है पाकिस्तान के साथ था, जिसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, हालांकि आज जो है बैटिंग पीछे है तो ये कुछ अच्छा करते नजर आएगा, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान है, तो आज के मैच में मोहम्मद रिजवान और कौशल मैंडिस को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि आज उसके साथ साथ बाबर आजम ने जो कि पिछले मैच में अच्छा पॉइंट दिए तो आप इनको भी ना छोड़े। और बाबर आजम मोहम्मद राजपूत और पुनीत निशान का हालांकि पिछला परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया था, पुनीत निशान का तो छोड़ने के लायक नहीं है, आप बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। धनुषा बुरी लीला है जिनका पॉइंट नहीं था, इनको प्लेयर को मैंने बैटिंग वाले से लिया है और एक बीना अच्छा है उनको भी मैंने ले लिया। और ऑलराउंडर सेक्शन के आते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो हमारा सिलेक्शन होगा आज के मैच में बहावा श्रृंगा का 100% होना है, मोहम्मद नवाज का 100% होना है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लगातार जारी रहा है और काफी अच्छा करते नजर आए हैं। उसके साथ साथ जो है हालांकि
आज के मैच में कुछ अच्छा करते नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे चलते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान पिछले मैच में नहीं चल पाए थे, हालांकि आज अच्छा करते नजर आएंगे। तो आज के मैच में आप कैप्टन की अगर बात, आज के मैच में कैप्टन की बात की जाए तो आज के मैच में आप कैप्टन ऐसे प्लेयर को चुने बहा हसनैन जैसे प्लेयर को, उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान को बना सकते हैं, पुनीत निशांका को बना सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ कैप्टन के लिए। उसके साथ साथ अब वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नवाज काफी अच्छे पाकिस्तान के ऑलराउंडर है, इनको बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं।